हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर अंश गोस्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मलद्वार के अंदर जितनी बीमारियां हैं या इससे जुड़े जितने भी लक्षण होते हैं उन सबको समय समय पर हम आपके सामने लेके आते रहते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है फ्रेंड्स कि मलद्वार के रोग को लेके, छारसूत्रा को लेके समाज के अंदर जितनी भ्रांतियां फैली हुई है वो पूर्ण रूप से और 100% खत्म हो सके। तो फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत कमेंट्स आते हैं कि सर मैंने अपना छारसूत्रा कराया, मेरे को सर बहुत पेन हुआ, सर मेरे को एक महीने तक मैं बेड से उठा ही नहीं, सर मैंने अपना छारसूत्रा कराया मेरा घाव भर नहीं रहा, सर मैंने अपना छारसूत्रा कराया है लेकिन मेरे को बीमारी फिर दोबारा हुई है, मेरे को पस का लगातार डिस्चार्ज होता रहता है, सर मैं अभी ठीक ही नहीं हुआ। तो छारसूत्रा सर कैसे आप कहते हो कि 100% समाधान करता है? सबसे पहली बात ये कि फ्रेंड्स आपको ये समझना होगा कि जिस डॉक्टर के पास आप जा रहे हो क्या वो वाकई में ही छारसूत्रा का डॉक्टर है। छारसूत्रा को लेके जो मिसअंडरस्टैंडिंग पेशेंट के दिमाग में घुसी रहती है बंगाली मद्रासी क्लिनिक पे जाने के बाद, क्योंकि वो धागे से करते हैं और हम भी धागे से, एक तरह से है धागा ही, लेकिन उसके ऊपर आयुर्वेदिक मेडिसिन का लेप है। लेकिन आम आदमी को क्या पता, आम आदमी दिमाग में तो यह है कि पाइल मास को लाइगेट हमने भी किया, पाइल मास को लाइगेट बंगाली ने भी किया, तो इसका मतलब वो भी छारसूत्रा से किया। छारसूत्रा को और नॉर्मल सर्जिकल थ्रेड को पहचान कराने के लिए ये आज की वीडियो है। आपको ध्यान से देखना है कि सर्जिकल थ्रेड और छारसूत्रा के अंदर कितना अंतर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद केवल यही था कि आपको ये पहचान करा दे कि छारसूत्रा में और नॉर्मल सर्जिकल थ्रेड में कितना अंतर होता है। धागे दोनों है लेकिन दोनों में अंतर क्या है, एक के ऊपर आयुर्वेदिक मेडिसिन का लेप है जिसका वर्क क्या है, कटिंग करना, क्यूरेटेज करना, हीलिंग करना, और एक है प्लेन जिसका काम क्या है, ओनली एंड ओनली कटिंग करना। तो इस चीज को बड़े ध्यान से समझो। मैं आपको बिल्कुल लाइव डेमो करके दिखाऊंगा कि छारसूत्रा किस तरह का दिखता है, सर्जिकल थ्रेड कैसे दिखता है। आप कहीं भी डॉक्टर के पास जाओ, पहले आप देखो कि सर आप मेरे को ये बताओ कि पहले तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर देखो, पहले उनके पर्चे देखो डॉक्टर के, उसकी डिग्री देखो कि वो डॉक्टर किस चीज का है, ठीक है, उसके बाद अपना ट्रीटमेंट कराओ। छारसूत्रा को कम से कम देखने से ये तो पता लगेगा कि हाँ भाई छारसूत्रा ऐसा होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी वीडियो। चलिए फ्रेंड्स पहले देखते हैं कि नॉर्मल सर्जिकल थ्रेड कैसे दिखते हैं। कलर अलग अलग होते हैं, बहुत से ब्लू कलर के होते हैं, बहुत से ब्लैक कलर के होते हैं, लेकिन नॉर्मल सर्जिकल थ्रेड एक मैं दिखा रहा हूं आपको, ये बिल्कुल व्हाइट कलर का है, ये देखो, बहुत से डॉक्टर इसको यूज करते हैं। इसका वर्क केवल और केवल कटिंग करने का है, ये केवल कटिंग करेगा, हीलिंग एंड क्यूरेटेज बिल्कुल नहीं करेगा। तो वो सर्जिकल थ्रेड में आपको डिफरेंस देखना बहुत जरूरी है कि ये छारसूत्रा है कि नहीं है, ये पहचान करना बहुत जरूरी है। अब छारसूत्रा कैसे होते हैं, छारसूत्रा होते हैं ऐसे, ये छारसूत्रा है, ध्यान से देखो, इसके ऊपर आयुर्वेदिक मेडिसिन का लेप है, ये नॉर्मल थ्रेड नहीं है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो मेन फंक्शन होता है कटिंग करना, क्यूरेटेज करना एंड हीलिंग करना। एक छारसूत्रा इस तरह का है हमारे पास, तो देखो दोनों में अंतर है ना, जो आपको सर्जिकल थ्रेड मैंने दिखाया है उसके अंदर और जो हमारे छारसूत्रा है उसके अंदर कितना अंतर है। तो ये फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने वाला कि आप अपना इलाज कराने जा रहे हो क्या वो डॉक्टर वाकई में छारसूत्रा कर रहा है। ध्यान से देखो ये है छारसूत्रा, क्योंकि इनके ऊपर 21 कोटिंग्स का आयुर्वेदिक मेडिसिन का लेप होता है। इनका जो मेन फंक्शन होता है, जब ये लाइगेट होते हैं तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इन्फेक्टेड पार्ट को कट करना, पीछे का जो वुंड बनता है उसकी हीलिंग करना एंड गंदे हिस्से की, जो गंदा पार्ट होता है उसकी क्यूरेटेज करके उसको खुरच खुरच के बाहर निकाल के पस के रूप में बाहर निकालना, ये काम होता है छारसूत्रा का। इसलिए छारसूत्रा के अंदर 98.7% सक्सेस रेट मलद्वार के रोगों के अंदर बताया गया है। और बहुत से पेशेंट जो कंप्लेन करते हैं, सर मेरे को बहुत दर्द हुआ, या मेरा घाव भरा नहीं, या सर मेरे को लगातार पस डिस्चार्ज होता है ऑपरेट कराने के बाद भी, तो वो यही सर्जिकल थ्रेड वाले होते हैं। कोई भी काम कराने से पहले सबसे पहले ये देखो कि क्या आपका डॉक्टर वाकई में ही छारसूत्रा का है। बहुत से पेशेंट के दिमाग में ये होता है
कि जो भी धागे वाला है वो छार सुत्रा का है, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, छार सुत्रा के स्पेशलिस्ट आपको अलग मिलेंगे, आयुर्वेद के डॉक्टर मिलेंगे, उनके पास डिग्री जो होगी बीएमएस की होगी, डिप्लोमा छार सुत्रा का या एमडी या एमएस होगा आयुर्वेद से, स्पेशली बाहर लिखा हुआ होगा कि छार सुत्रा विशेषज्ञ। तो ये चीज आपको देखना है, मेरा काम था आपको छार सुत्रा के बारे में और सर्जिकल थ्रेड के बारे में बताना। तो फ्रेंड्स ये चीज आपको देखना है कि आपको ट्रीटमेंट कहां और किस डॉक्टर से कराना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज तो हमारी वीडियो में इतना ही है, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो, और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करें जिससे कि आपके साथ साथ किसी दूसरों का भी भला हो सके। जय हिंद, जय भारत।